आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताएंगे। तो जिसके लिए हमने फैब्रिक ले लिया है, सो फर्स्ट हम पेटी कटिंग करेंगे और उसके बाद नीचे जो घेर है उसकी कटिंग करेंगे। सो पेटी के लिए इस तरह से देखिए मैंने फैब्रिक लिया है, जिस तरह से 2 पीस फैब्रिक है जिसकी लंबाई हमने ली है 10 इंच और चौड़ाई में इस फैब्रिक को मैंने लिया है 15 इंच। फर्स्ट इसे 4 फुट कर लेंगे। अब यहाँ से बंद हिस्सा है, यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे। सो फर्स्ट हम शोल्डर मार्क करेंगे 5 इंच, शोल्डर डीप 5.5 इंच, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लेंगे 7 इंच विथ कटिंग एंड स्टिचिंग मार्जिन, राउंड शेप दे देंगे। कमर लेंगे 6.5 इंच, आपस में इस निशान को मिला देंगे। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे और यहाँ दे देंगे राउंड शेप। नेक की जो विड्थ हम लेंगे वो है 2.5 इंच, डीप हम रखेंगे फ्रंट से 3.5 इंच और बैक से हम रखेंगे 2 इंच। यहाँ नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच के शोल्डर डाउन कर देंगे। ग्राफ कंप्लीट है, अब से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग कंप्लीट है, बैक पे हम 2 इंच का कट डाल देंगे। सो यहाँ हम निशान लगाते हैं सेंटर में 2 इंच का और सेंटर से इसे कट कर देंगे। तो कटिंग कंप्लीट है, अब इसकी घेरी कटिंग कर लेते हैं। देखिए घेर के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, फर्स्ट इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फैब्रिक है और ये भी 2 पीस इस तरह से फैब्रिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। सो इस फैब्रिक की चौड़ाई है वो मैंने ली है 24 इंच और 24 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है, यानी एक 24x24 का स्क्वायर पीस लिया है इस तरह से। ये देखें एक कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर की तरफ इस तरह से लेके जाएंगे और जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं सेम उसी पोजीशन में हमने इसे लेके आना है। अभी देखें इस साइड से ये बंद है, इस साइड से ये ओपन है और इस साइड से भी ये ओपन है। सो बंद साइड की तरफ से हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ मार्किंग करनी है, मार्किंग करने के लिए यहाँ हम इस तरह से पेटी लेंगे और उसके ऊपर इसे रखेंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ हम सेम यही मार्किंग कर लेंगे कमर की इस तरह से। और अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले फर्स्ट हम लेंथ ले लेते हैं। सो इसकी लंबाई हम रखेंगे 15 इंच, तो ये 15 इंच ही है। फुल मार्क करके इसे देखते हैं, तो फुल मार्क देखिए 24 इंच आ रहा है। तो अब इस तरह से हम 24 इंच पे फुल निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो है हम चिरेप को नहीं लाएंगे और यहाँ से हम चिरेप को इस तरह से मूव करते जाएंगे। तो इस तरह से 24 इंच पे फुल पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये एक पार्ट जो है फ्रंट के लिए है और सेकंड पार्ट जो है वो बैक के लिए है। तो घेर की भी कटिंग हो गई है, अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के लिए हम पेटी को ले लेते हैं, पेटी को स्टिच करेंगे। इसके लिए मैंने पेटी को ले लिया है। फर्स्ट हम बैक का जो कट है इसे रेडी करेंगे। तो बैक कट के लिए इस तरह से हमने स्ट्रिप ली है और उसमें कट लगा लिया है। फर्स्ट तरह से हम इसे रखेंगे और स्टिच करके इसे बैक तरफ टर्न करके हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम दोनों सीधे पार्ट अंदर के रखने के बाद पेटी के शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमने नेक पे और शोल्डर डी पे पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग करने के लिए यहाँ देखें मैंने इस तरह से क्रॉस स्ट्रिप ली है, जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं और रे पट्टी भी कहते हैं। ये मैं ली है, ये हम नेक पे करेंगे और शोल्डर डीप पे। नेक पे हम शोल्डर से ज्वाइन करेंगे और इसे फुल पाइपिंग करेंगे। इस तरह से देखें हम इसे रखेंगे और हम फुल पाइपिंग इस पर कर लेंगे और इसी तरह से हम शोल्डर डीप पे भी पाइपिंग करके इसे रेडी कर लेंगे। चलो मशीन पे चलते हैं और इसे स्टिच कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। नेक को रेडी करने के बाद उसके बाद शोल्डर डिप को भी रेडी कर दिया था। अब हमने इसके साथ घेर अटैच करना है, तो घेर को ले लेते हैं। सो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने घेर को ले लिया है। फर्स्ट इसे हम इस तरह से देखिए रखेंगे इस तरह से, और एक पीस ले लेंगे घेर का। इसे हमने दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ रखने हैं और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। और इस तरह से देखिए हम इसे रख के यहाँ सिलाई लगा लेंगे एक साइड पर, और बैक वाले घेर को बैक के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह रखने के बाद यहाँ सिलाई लगा लेंगे जिससे घेर इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद हम फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड की। फिटिंग लगाने के बाद नीचे का जो दामन है घेर का, उसे हम फर्स्ट सिंगल फोल्ड करेंगे और उसके बाद डबल फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो कंप्लीट है, इसका घेर माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।